तो क्या लगता है गाइस, टमाटर एक फ्रूट है या वेजिटेबल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आज तक आप इसको फ्रूट की तरह ट्रीट कर रहे थे या वेजिटेबल की तरह ट्रीट कर रहे थे? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे फ्रूट्स जो आपका बेली फैट कम करने में आपको बहुत हेल्प कर सकते थे और शायद उनके बारे में आपको आज तक पता ही नहीं था। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और जो लोग नए हैं या पुराने हैं और वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज ऐसे पांच फ्रूट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपका बेली फैट बर्न करने में आपको बहुत मदद कर सकते हैं। आई रियली डोंट नो आपको इस बारे में कभी किसी ने बताया था या नहीं बताया था, बट आज मैं आपके सामने ये बात बताने वाला हूँ। तो आज हम जितने भी फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे वो सारे आपका बेली फैट बर्न करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। कभी नहीं सोचा था ना आप लोगों ने कि फ्रूट भी फैट बर्न करने में काम आ सकते हैं, तो आप सोचना शुरू कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्रूट्स आपका बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने पहले फ्रूट की। एक बार गैस मार सकते हो, वाइल्ड गैस की क्या हो सकता है, कौन से फ्रूट की बात करने वाला हूं? पहला बहुत कॉमन है, एप्पल। एप्पल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही। अब एप्पल मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग डे टू डे एक्टिविटी में खाते होगा, आपने सुना होगा एप्पल डे कीप द डॉक्टर अवे, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन आपको ये चीज पता थी कि एप्पल आपका बेली फैट कम करने के काम आ सकता है? आज मैंने बता दिया है, अब मैं ये बता देता हूं वो आपका बेली फैट कैसे कम कर सकता है। तो सबसे पहली बात, एप्पल is packed with fibers और उसके अंदर ना एक pectin fiber नाम की चीज होती है जो बहुत slowly break होती है। तो जब आप खाते हो तो वो इतनी slowly break होती है, तो जब आपने एक apple खा लिया तो आपको उसके बाद भूख नहीं लगती है। तो मान लीजिए अगर आपको cravings हो रही है या आपको बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है या कोई चटपटा खाने का मन कर रहा है तो just grab an apple। तो मैंने अपनी cravings वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैंने जंक फूड को अवॉइड कैसे करा एक एप्पल खा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो गाइस, एप्पल के बहुत फायदे होते हैं और जिस फायदे के बारे में आपको नहीं पता था जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि वो आपका बेली फैट कम करने में मदद करेगा। जब आप एप्पल खा लोगे आपके अंदर वो फाइबर्स आ जाएंगे और आपको भूख ही लगनी बंद हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर का खाना नहीं खाओगे ना, सिंपल। ऑल्सो एप्पल्स आर लो इन कैलोरीज एंड शुगर, सो दैट मेक्स एप्पल एन आइडियल फ्रूट फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड फ्रूट की। अब सेकंड फ्रूट कौन सा बताया था मैंने, टमाटर। अब टमाटर का क्या सीन होता है कि टमाटर तो हम ये समझ के खाते थे यार ये तो वेजिटेबल है, फ्रूट थोड़ी ना है, ये कैसे बोल रहे हैं फ्रूट है। रिसर्च हो रखी है, बहुत साइट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपके सामने एक आर्टिकल पड़ा होगा जो ये बताता है कि टमाटर एक फ्रूट ही है। अब मैंने ये तो बता दिया टमाटर एक फ्रूट है, अब आगे ये फ्रूट हमें कैसे हेल्प कर सकता है बेली फैट रिड्यूस करने में। तो सबसे पहली बात, तो जो टमाटर है वो खुद ब खुद एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है कार्निटाइन। आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, टॉप वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के टाइम, तब मैंने आपको बताया था कार्निटाइन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई बटन में पता लग जाएगा, डू चेक इट आउट। तो टमाटर जो होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये कार्निटाइन। अगर आपको बाहर से नहीं लेना तो ये टमाटर खा लीजिए, सिंपल, कार्निटाइन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ऑल्सो दिस इंक्रीजेस आर एनर्जी एंड आर मेटाबॉलिज्म, तो ये चीज हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में भी बहुत मदद करती है। अब एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, थोड़ी सी साइंटिफिक लाइन है। तो जो टमाटर होते हैं उसके अंदर ना एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री तो
कि ठीक है ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सो ओडीए। अब ऑक्सो ओडीए की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊंगा, सबसे पहली बात किसी यूज की है नहीं, दूसरी बात अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, अगर आप है तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऊपर से जाएगा। तो ऑक्सो ओडीए का मतलब है ऑक्सो ऑक्टा डेका डायनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इतना भी साइंटिफिक उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है, आपके ब्लड में लिपिड्स होते हैं, तो उन लिपिड्स को डिक्रीज करता है ये कंपाउंड, एंड आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको मदद करता है। तो इसीलिए टमाटर बन जाता है हमारा दूसरा फ्रूट जो हमें अपने बेली फैट को रिड्यूस करने के काम आता है। तो अब आते हैं अपने थर्ड फ्रूट की तरफ, जो हमारा थर्ड फ्रूट आता है दैट इज गुआवा, हिंदी में अमरूद। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे मैंने एप्पल बताया था फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर भी वही डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो ये काम करते हैं कि हमारा पेट ऐसा भर देते हैं किसी और चीज को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए आपने अमरूद खा लिया, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप बाहर के समोसे पिज्जा बर्गर ये सब खाओ, नहीं मन करेगा, आपका पेट फुल हो चुका होगा, आप कहोगे नहीं मेरे को नहीं खाना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इसके डाइटरी फाइबर्स काफी काम आते हैं। प्लस इन सब फ्रूट्स का एक ग्लाइकेमिक इंडेक्स नाम की चीज होती है, जीआई, नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन ग्लाइकेमिक इंडेक्स ऑफ गुआवा इज वेरी लो, जिसकी वजह से कम शुगर हमारे अंदर जाता है। तो अगर कम से कम शुगर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये फ्रूट अच्छा बन जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा शुगर नहीं जा रहा तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। तो ये बन गया हमारा थर्ड फ्रूट जो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और हमारे बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ फ्रूट की। ये फ्रूट मेरे हिसाब से तो बहुत लोगों का फेवरेट होगा, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, मेरे हिसाब से सबको ये चीज बहुत पसंद होगी। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉबेरीज की। अब आप ये सोच रहे होंगे स्ट्रॉबेरी ये कब से वेट लॉस में काम करने लग गई? हां जी, स्ट्रॉबेरीज आर वेरी लो इन कैलोरीज, आपको पता नहीं है लेकिन उसकी कैलोरीज बहुत कम होती है। यू गेट अबाउट 33 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, बहुत कम है कैलोरीज। कैलोरीज ही कम इतनी जा रही है तो आप खुद ही सोचिए वो आपकी वेट लॉस में कितनी हेल्प कर सकता है। और स्ट्रॉबेरीज का क्या नहीं बन सकता, स्मूदीज बन सकती है, उसको सैलेड में ऐड कर सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज का तो यूज ही यूज है। तो ये बन गया हमारा फोर्थ फ्रूट जो आपका बेली फैट कम करने के काम आ सकता है। तो गाइस बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ फ्रूट के बारे में, फाइनल फ्रूट के बारे में, ये है हमारा कीवी। अब कीवी क्या करता है? कीवी खाने से आपकी डाइजेशन नेचुरली बूस्ट हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कीवी के अंदर एक एंजाइम होता है एक्टिनाइडिन। वो क्या करता है, जो आपके प्रोटीन होता है बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। एक्टिनाइडिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। तो गुड डाइजेशन एंड वेट लॉस दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी वेट लॉस जर्नी अच्छी है, डाइजेशन वीक है वेट लॉस जर्नी वीक है, सिंपल। तो ये कीवी का काम होता है, उसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका काम होता है डाइजेशन और वेट लॉस को इक्वल रखे। तो बेसिकली कीवी खाने से नेचुरली आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज नहीं खा रहे हैं, ये पांच फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो आपको नेचुरली ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाए, आप उसको रेजिस्ट ना कर पाओ। रादर देन हैविंग एनी जंक फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड, घर पे फ्रूट्स मिलते हैं, हेल्दी होते हैं, आपकी वेट लॉस में हेल्प करेंगे, तो आपका फायदा ही फायदा है। बाहर पिज्जा के 200 रुपए दोगे, 300 रुपए दोगे, घर पे एक सेब ले आओगे, एक अमरूद ले आओगे, स्ट्रॉबेरीज ले आओगे थोड़ी सी, आपको तब भी वो चीज सस्ती पड़ेगी। हमेशा जैसा बोलता हूं मैं, सस्ते में बेस्ट। तो हमेशा मेरा मोटिव बस यही रहता है कि आपको सस्ते में अच्छी चीजें बताऊं। तो अगर आप ये चीजें खा लेते हैं, ये पांच फ्रूट्स कंज्यूम कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा पांचों एक बार को खा जाओ, मैंने इन पांचों फ्रूट्स की एडवांटेजेस आपको बता दी है, आपको जो फ्रूट सूट करे आप वो खा सकते हैं। अल्टीमेट गोल आपका क्या है? वेट लॉस। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? बेली फैट को रिड्यूस करना। तो जब आपका गोल ही वो सेट है,
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बाद किस चीज को चूज करना चाहते हैं, हेल्दी फ्रूट्स या फिर अनहेल्दी जंक। तो ये सोलली आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको थोड़ी सी मैंने नॉलेज देने की जो कोशिश करी, आई होप आप उसको समझ गए होंगे। और मेरे हिसाब से अब आप फ्रूट को चूज करोगे अनहेल्दी खाने के ऊपर। एंड अगर यहां तक देख लिया आपने वीडियो अब, तो लाइक करे बिना तो जाने का मतलब ही नहीं बचता ना। एक टारगेट सेट कर लेते कि हर वीडियो में 100 लाइक तो चाहिए, ठीक है, उस टारगेट को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए अपने व्यूज इस चीज के ऊपर, शेयर करें जितना कर सकते हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।